हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। और आज हम इस वीडियो में जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो है उसके आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस आज आने वाला है वो कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही में अभी करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज जो आपको जाननी चाहिए इस आईपीओ के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आईपीओ है वो 15 से 17 तारीख के बीच पे आया था। ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू है। 129 से 30 रुपए जो है एक इक्विटी शेयर की कीमत लगाई गई है। एक लॉट में 115 शेयर रहेंगे। डेट इम्पोर्टेंट क्या है, एक्चुअली में जो इसका अलॉटमेंट है वो 22 तारीख को ही आना था बट नहीं आया है। जो मैंने चेक किया मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा, तो आज दोस्तों इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। अभी कैसे चेक करेंगे उसको देखने से पहले एक चीज जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है वो ये, कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टोटल जो है ये 106 टाइम जो है सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से 175 टाइम जो सब्सक्राइब किया है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ने किया है, और रिटेल की अगर मैं बात करूँ वो 20 टाइम्स भी ज्यादा सब्सक्राइब किया है। सो धमाकेदार दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है। अभी कैसे चेक कर सकते हैं उसके ऊपर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप ना इसका रजिस्ट्रार जो है वो जानेंगे। तो वो कैसे जानेंगे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक DRHP आप टाइप करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका रजिस्ट्रार कौन है। जो पहला लिंक है सेबी का, इसको आप ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो देखिए इसमें एक PDF ओपन हो जाएगी सेबी की साइट पर। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर जो है आपको इसका रजिस्ट्रार मालूम चल जाएगा कि किस रजिस्ट्रार ने इस आईपीओ को रजिस्टर किया है। सो लिंक इन टाइम आपको नाम दिख रहा होगा, राइट। गूगल पे जाइए आप और लिंक इन टाइम जो है अलॉटमेंट स्टेटस इसका टाइप बस करो सिंपली। जो फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक करो, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अभी लिंक एंड टाइम के पेज के ऊपर जाने के बाद में आपको ये देखना है कि आपका जो आईपीओ है यहाँ पर नाम है या नहीं है। सो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक का नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्राफ्ट्समैन का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि जिसका अलॉटमेंट स्टेटस कल ही आया है। सो मेरे ख्याल से अभी आने वाले टाइम पर दिन भर में या फिर अगले 3-4-5 घंटे में यहाँ पर आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक का नाम भी दिखाई देना चालू हो जाएगा। जैसे ही वो नाम आता है आप चेक करते रहिएगा, इस पर क्लिक कीजिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर एंड यहाँ पर अपना पैन नंबर डालिए, सर्च कीजिए, आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाने वाला है। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर मान लो आपका ये साइट नहीं खुलती या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जाएंगे BSE की साइट के ऊपर और यहाँ पर टाइप करेंगे BSE इंडिया आईपीओ स्टेटस। देन आफ्टर यहाँ पर आप जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इक्विटी का ऑप्शन आ रहा होगा, इक्विटी में क्लिक करेंगे आप एंड इशू नेम जो है यहाँ पर आप टाइप करोगे लक्ष्मी, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी का नाम आ रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ये आप सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर डालोगे और पैन नंबर डालोगे। एप्लीकेशन नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, जब आपने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया होगा तब आपके मैसेज में आया होगा, या फिर जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने अप्लाई किया है वहां पर जाइए, आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। और पैन नंबर नीचे डालिए, यहाँ पर चेक मार्क कीजिए, सर्च में क्लिक कीजिए, आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाने वाला। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिसके जरिए आप इजीली चेक कर पाओगे कि आपका जो आईपीओ है आपको मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको आईपीओ मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी करंटली कितना चल रहा है ये भी जरूर जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको मिलता है ये आईपीओ सो कितना प्रॉफिट होगा ये भी जानना जरूरी है। सो अगर मैं आपको लेकर चलूँ इंडिया टुडे की साइट के ऊपर, तो यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम का जो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसका एक वैल्यू दी हुई है। देखिए तकरीबन 107 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है हमें पता है, तो इसका जो अभी करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तकरीबन 63 रुपीज चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि 130 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये आने वाला है, प्लस आप 63 इसमें कर लीजिए, तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 193 के आसपास ये ओपन हो सकता है अभी के डेट में। हालांकि अभी लिस्टिंग डेट थोड़ी सी दूर है, तो लिस्टिंग डेट क्या है अपन वो भी देख लेते हैं। लिस्टिंग डेट दोस्तों इसकी है 25 तारीख, अभी भी 2 दिन है, इस 2 दिनों के बीच में अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो और भी बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा जैसे इसका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होता है, तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 50-60% के आसपास जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी चल रहा है। सो काफी ही अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक। तो दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी बची हुई है अभी आने वाले टाइम पर मैं आपको देता रहूंगा। आईपीओ अगर मिला तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।